Ready? Let's go. Happy birthday to ज वेलकम बैक टू माई चैनल वेलकम बैक टू माई बर्थ डे सीरीज आई विलोरी डे फॉर ट्वेल्व डेज स्ट्रेट एंडियो वी आर गिंग अब इज एन एबल स्पॉन्सर्ड बान की इन एनी वे तो काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जब भी मैं कोई रील शेयर करती हूँ की दी क्या ये प्रोडक्ट सही अच्छा है या नहीं तो आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ की बाई आई यूज सो मेनी डॉट इन की प्रोडक्ट बाय आई शो देम टू यू रिकमेंड टू यू ऑल ऑफ इट विल बी कवर्ड इन टू डेज वीडियो एंड उसी के साथ साथ मेरे पास जितने डॉट एन की के प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत सारे हैं मैं उन सबको रिव्यू करने वाली हूँ ताकि अगर आप डॉट एन की के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हो तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए कि इफ़ दैट प्रोडक्ट इज एक्चुअली गुड और नॉट एंड इफ इट वुड सूट योर स्किन टाइप और नॉट सो या फू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दट टॉपिक प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज टेक आवर मोमेंट एंड हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बिल राइट नेक्स्ट डेट

रेकमेंड करती हूं इज दैट माई फेवरेट ब्रांड एंड आई गेट अ लॉर ऑफ दीज क्वेश्चन सो आई वुड से इट इज वन ऑफ फेवरेट स्किन केयर ब्रांड वाई आई रेकमेंड सो मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैम फर्स्ट रीजन इज दैट वो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं तभी मैं उनको शेयर करती हूं एंड द सेकेंड रीजन इज ऑनेस्टली आई एम एन एफिलियट विद डॉट इन की तो अफिलियट क्या होता है कि ये मेरा कूपन कोड है तो अगर आप कभी भी डॉट इन की वेबसाइट से परचेज़ करते हो और ये कूपन अप्लाई करते हो तो आपको अपने टोटल बिल अमाउंट पे एडिशनल डिस्काउंट मिलता है एंड आपको डिस्काउंट मिलने के साथ साथ जब आप मेरे कोड के थ्रू परचेज करते हो तो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन मिलता है Which is not a lot and that is not the reason that I share these products because honestly आज तक मैंने देखा भी नहीं है कि मेरे affiliate कितने sales हुए हैं because I know I don't have that big of an influence कि मैं affiliate से बहुत ज़्यादा पैसा कमालू and that is not the mindset um, that I work with I really share only those products जो मुझे genuinely बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मुझे डॉट की से ट्राई आउट करने के लिए बट कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं कुछ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ना बार बार आपके साथ शेयर करती हूँ बट जब भी कोई डॉट की की न्यू लॉन्च होती है वो मुझे भेजते हैं एंड मैं आप लोगों को नॉर्मल एक रील शोकेस करके शेयर करती हूँ कि ये एक न, नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में बट जब भी मैं कोई रिव्यू वीडियो शेयर करती हूँ या रील शेयर करती हूँ दैट इज माई ऑनेस्ट रिव्यू मैं कभी भी किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड स्क्रिप्टेड रिव्यूज नहीं करती हूँ अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मेरी स्किन टाइप पे सूट नहीं कर रहा है मैं हमेशा यूज करके देखती हूँ तो मैं मना भी कर देती हूँ एंड येस मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मैंने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मना किया है बिकॉज वो मुझे सूट नहीं हुआ था तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकती कि आपको होगा या नहीं नाउ दैट दैट इज आउट फ्रॉम द वे बात करते डॉट की पैकेजिंग की ओ माई गॉड आई लव देयर पैकेजिंग इट इज टू डाई फॉर इवन माई मॉम लवस देयर पैकेजिंग एंड स्पेशली उनके जितने भी मॉइस्चराइजर्स के टब होते हैं वो सब हमने संभाल के रखे हुए हैं जितने ख़त्म होते हैं हम रख लेते हैं कि we'll do some DIY with this. करा आज कुछ भी नहीं है बट स्टिल हम लोग संभाल के जरूर रख लेते हैं बिकॉज वो ऐसे है ही नहीं की हम उनको फेंक दें एंड ना मार्केट में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होती है उनकी पैकेजिंग कॉपीड है ये कह के क्यूँकि एक स्किन केयर ब्रांड आई थिंक फ्रूडिया नेम से आई इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ बोथ द ब्रांड्स पैकेजिंग एंड इट इज क्वाइट सिमिलर बट इन माई ओपिनियन देर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो कि किसी और ब्रांड की पैकेजिंग से इंस्पायर होकर या कॉपी करके आप कुछ भी कह लो यू नो पैकेजिंग में चलता रहता है सो आई डोंट माइंड दैट अंटिल एंड अनिस द प्रोडक्ट इज वर्किंग गुड फॉर मी आई डोंट माइंड इफ द पैकेजिंग इज कॉपीड एंड एनी वेज इट इज़ वेरी वेरी क्यूड सो इवन इफ इट इज कॉपीड गुड जॉब डॉट इन की एंड डोंट कम इट मी फॉर दैट बिकॉज आई रियली लव दियर पैकेजिंग एंड या अदर देन दैट मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी बिकॉज मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है सो so, जैसा कि मैंने बोला हम इस वीडियो में स्किन केयर के बारे में बात करेंगे सो so, हम कैटेगरी वाइज जाएंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस वॉशेज से तो डॉटन की के ऑल टुगेदर सिक्स फेस वॉशेज एंड विल टॉक अबाउट दैम वन बाय वन तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉटन की के वाटरमेलन सुपर ग्लो फेशियल जेल क्लेंजर इसमें वाइटमिन सी वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर है तो इन्ग्रीडियंट से ही पता चल रहा है कि ये डल स्किन को टारगेट करता है एंड इट हाइड्रेट्स योर स्किन एज वेल तो बात करें अगर क्लेम्स की तो वेबसाइट पे बोला जाता है कि जेंटली एक्सपोलियट्स योर स्किन एंड इट टारगेट्स डलनेस वाइल्ड क्लीनिंग योर स्किन प्रॉपर्ली एंड इट इज अ सल्फेट फ्री क्लेंजर सो इट इज़ नॉन स्ट्रिपिंग इट टारगेट्स एक्सेस ऑयल ग्रीसी स्किन डलनेस शाइनी टी जोन टीजोन क्लॉकपोर गुड फॉर नॉर्मल कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन टाइप सो आई वुड से कि हाँ ये आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है ये नॉन स्ट्रिपिंग है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है मतलब ऐसा लगता नहीं है फेस वॉश करने के तुरंत बाद कि अभी तुरंत मॉइस्चराइजर लगाना है यस इट डज दैट इट डज गिव यू अ वेरी ग्लोई स्किन इन द लॉन्गर रन मैंने इसको विंटर्स में यूज़ किया था दो हफ्ते स्ट्रेट यूज़ किया था एंड वॉट आई फेल्ट वॉस इट डिड क्लीन माई स्किन ब्यूटिफुली इट डिड हाइड्रेटेड वेल बट बिकॉज मैं एक ऑयली एक्नेप्रोन स्किन टाइप हूँ आई नीड समथिंग मोर इन अ फेस वॉश मतलब फेस वॉश एक ऐसा स्टेप होता है विच कैन मेक और ब्रेक माई स्किन केयर रूटीन एंड जब मैं कोई भी फेस वॉश यूज करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि ज्यादा दिन यूज करने में मेरे पोर्स क्लीन रह रहे हैं या वो क्लॉग्ड फील कर रहे हैं सो दैट इज वॉट हैपन्द दिस फेस वॉश एंड इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद भी मुझे थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता था कि आई शुड वॉश माई फेस अगेन तो वो जो अर्ज होती थी तो आई न्यू दैट वॉश वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी बट फिर भी मैं इसको एक फेयर ट्राई देना चाहती थी तो मैंने इसको दो हफ्ते यूज किया बट स्टिल दिस वॉज नॉट द फेस वॉश दैट आई कॉन्शियसली वॉन्टेड टू रीच आउट टू सो ऑनेस्टली अगर आप नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो यू आर ग लव दिस फेस वॉश बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन देता है साथ में हाइड्रेटेड रखता है स्किन को बट इफ़ यू आर एन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप यू कैन स्किप ऑन दिस बिकॉज देर आर बेटर ऑप्शन सो अब बात करते हैं अपने सेकेंड फेस वॉश की दिस इज द सीका कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश इसमें सेलिस एसिड ग्रीन टी एंड सीका है जो कि काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑयली एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन के लिए वेबसाइट कहती है एक्ने टार्गेज रेडनेस इम्बेलेंड पी एच फॉर ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन टाइप इसके सारे क्लेम्स एकदम ट्रू हैं अपार्ट फ्रॉम वन आई कम टू दैट सो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सैलिसलिक एसिड एंड ग्रीन टी आर वेरी वेरी गुड फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप मैंने इसको जब यूज किया था आई हैड एक्टिव एक्स अराउंड हियर एंड मैंने इसकी दो ट्यूब्स फिनिश कर दी थी इट इज सच अ गुड प्रोडक्ट

आई वुड से जो एक्नेस कार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टर्बन होते हैं सिर्फ़ एक फेस वॉश अगर आपके ब्लेमिशेज क्लियर कर देता तो बात ही क्या होती सो आई वुड नॉट से कि अगर आपको सिर्फ एक्नेस कार्ड पर काम करना है तो आप ये फेस वॉश ले लो बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट यो फेस वॉश फॉर ब्लेमिशेज सो अदर देन दैट ऑल द क्लेम्स आर एब्सोल्यूटली ट्रू मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्लेम फॉल्स है हो सकता है कि ये कट जाए पर पता नहीं आपको कितनी ट्यूब्स यूज़ करनी पड़ेंगे क्योंकि ब्लेमिशेज के लिए यू हैव टू वर्क ऑन दैम विद लॉड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक फेस वॉश से नहीं होगा सो so येस yes, अगर आप ऑयली एक्ने प्रोन या सेंसिटिव स्किन टाइप हो प्रो यान लव दिस प्रोडक्ट इट इज मस्ट ट्राई सो नेक्स्ट इज दिस फेस है डॉटिन की का वाइटामिन सी सुपर ब्राइट फोमिंग फेस वॉश इसमें ट्रिपल वाइटमिन पपाया प्रो वाइटमिन बी फाइव एंड हाइलोरॉनिक एसिड के साथ साथ ब्लड ऑरेंज भी आई मीन इट हैज सो मेनी गुड इन्ग्रीडियंट इसके जितने भी इन्ग्रीडियंट एंड दे आर परफेक्ट टू गिव यूर ग्लोइंग स्किन वेबसाइट कहती है टारगेट्स डलनेस डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन सन स्किन टोन एंड इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स आई ऑनेस्टली हैव नॉट ट्राइड दिस प्रोडक्ट येट ये मेरे पास रखा हुआ है बट मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है बिकॉज अभी इसकी चांस ही नहीं आई ऑनेस्टली बट मैंने डॉट इनकी वाइटामिन सी की रेंज ट्राई की हुई है तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि मेरे उस पर रिव्यूज क्या हैं सो आई थिंक अगर आप एक वाइटामिन सी बेस्ड फेस वॉश ढूंढ रहे हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो क्योंकि इसमें काफी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं साथ ही में इसमें पपाया है जो कि जेंटली एक्सफोलिएट भी कर देगा स्किन एंड ट्रिपल वाइटामिन सी वुड गिव यू दैट बूस्ट ऑफ ग्लो सो यार यू कैन चेकआउट दिस प्रोडक्ट बट मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है सो आई कै नॉट से मच अबाउट इट सो द नेक्स्ट फेस वॉश इज दिस वन मैं फोन पे इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मेरे पास अभी वो प्रोडक्ट नहीं है जैसे कि मैंने बताया मैं मॉम होमटाउन जा रखी है तो ये प्रोडक्ट वो यूज करती है तो वो अपने साथ ही लेके गई है सो ये एक फेयरली न्यू लॉन्च है इनका दिस इज द बैरियर रिपेयर जेंटल हाइड्रेटिंग फेस वॉश इसके इन्ग्रीडियंट हाइलोरॉनिक एसिड प्रोबायोटिक्स राइस वाटर एंड सेरेमाइड्स हैं ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत हीस कॉम्प्रोमाइज स्किन बैरियर एंड इट इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट ऑल मैं एक ड्राई स्किन पर्सन नहीं हूँ बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कई बार कि माई मॉम इज अ ड्राई स्किन पर्सन एंड जितने भी हमारे पास ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स आते हैं आई ट्रस्ट एंड ट्राई देम ऑन माई मॉम्स स्किन एंड दिस इज़ वन फेस वॉश दैट शी लव्स एंड मतलब वो अपने ट्रैवल में भी उसको कैरी कर रही हैं सो इट स्पीक्स फॉर इट्स सेल्फ बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है फॉर ड्राई एंड वेरी ड्राई स्किन टाइप और अगर आपका बैरियर डैमेज हो गया है इट वर्क वेरी वेरी गुड मैंने यूज़ किया था इस प्रोडक्ट को विंटर्स में जब मेरा स्किन बैरियर मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहा था इट हैज़ अ बूस्ट ऑफ़ हाइड्रेशन आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा प्लम्प फील करेगी बहुत हाइड्रेटेड फील करेगी बिल्कुल ही नॉन स्ट्रिपिंग है तो अगर आप सेंसिटिव स्किन टाइप हो या ड्राई स्किन टाइप हो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयली स्किन के लिए कुछ ज्यादा ही हाइड्रेटिंग है इट डज नॉट क्लीन द एक्सेस ऑयल सो एज इट सेज इट इज फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप सो येस इफ यू आर अ ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन टाइप पर्सन

बट ये दोनों ही मैंने ट्राई नहीं किए हैं मेरे पास नहीं है सो आई वुड नॉट टॉक अबाउट दैट एंड विद दैट फेस वॉश खत्म हो गए अब नेक्स्ट कैटेगरी टोनर्स की तरफ सो डॉट डॉटेन की इन टोटल चार टोनर्स हैं जिसमें से कि दो मेरे पास हैं और दो मैंने यूज नहीं किए हैं कभी भी सो दीज आर द टू दैट आई हैव एंड आई बी टॉकिंग अबाउट दम इन्हीं दोनों के फेस वॉश मैं आपको बता चुकी हूँ सो दिस इज द वॉटरमेलन सुपर ग्लो पोर टाइटनिंग टोनर विद ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड द वेबसाइट सेज इट टारगेट्स ऑयली स्किन डलनेस

ये टोनर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मतलब इसमें बस ये है कि इनकी जो टोनर की पैकेजिंग है उसमें स्प्रे बॉटल नहीं आती है बट मुझे अपने टोनर मोस्टली स्प्रे करना पसंद है बट आई डोंट माइंड इट इतनी क्यूट पैकेजिंग है सो मैं इसको या तो कॉटन पैड पे करके ऐसे रब कर लेती हूँ या मैं अपने हाथ पे लगा के इसको पैट कर लेती हूँ सो ये टोनर मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है बिकॉज इसमें ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड है जो कि बहुत ही ज्यादा जेंटली आपकी स्किन को एक्सपोलिएट कर देते हैं सो फेस वॉश करने के बाद अगर आपके जैसे पोर्स अच्छे से नहीं क्लॉग हुए हैं तो एक बार अगर इससे स्वाइप कर लो तो जितना थोड़ा बहुत डर्ट और सीबम बच रहा होगा अंदर वो भी अच्छे से साफ हो जाएगा एंड अदर देट अगर आप कॉटन पैथ से करते हो तो अगर एक्सेस मेकअप थोड़ा बहुत रह गया है फेस वॉश के बाद ना तो वो भी टोनर से निकल जाता है एंड दिस टोनर इन पर्टिक्यूलर इज माई एप्सोल्यूट फेवरेट अगर छोटे छोटे से व्हाइट हेड हो गए हैं कोमिडोन्स टाइप के तो ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोलिक एसिड दैट इज द रीजन दैट आई लव दिस टोनर सो अगर आप भी नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप हो तो आप इसको यूज कर सकते हो ड्राई स्किन टाइप वाले अवॉइड करो दिस इज द सीका कामिंग स्किन क्लैरिफाइंग टोनर ना एंड इसके जो इन्ग्रीडियंट है वो है सीका ग्रीन टी एंड लैक्टिक एसिड तो लैक्टिक एसिड तो बहुत ही ज्यादा माइल्ड एएचए होता है सो so आपको उतना ज़्यादा इससे एक्सफोलिएशन एज सच फील नहीं होगा बट इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टोनर अगर आपकी स्किन इरिटेटेड है एक्टिव एक्ने है रेडनेस हो रखी है तो इसका सीका सही में आपकी स्किन ऐसा काम डाउन कर देता है एंड बिकॉज इट हैज नाइसिनमाइड एंड ग्रीन टी सो इट वुड वर्क टूवर्ड्स फेडिंग अवे योर एक्नेस कार सो इट इज़ गुड दैट वेज इसकी मैं एक बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ ये मेरी सेकेंड बॉटल है बट अभी फिलहाल मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ बिकॉज जैसा कि मैंने बोला कि मुझे ये वाला टोनर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू दैट वन बट वो भी बहुत अच्छा काम करता है बट बिकॉज मुझे कोमेडोन्स हो रखे हैं तो आई थिंक द रेड वन परफॉर्म्स अ बिट बेटर फॉर दैट इट इज़ अ बेटर एक्सफोलियटिंग टोनर तो इसीलिए बस मैं उसको यूज करती हूँ बट दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट ग्रेट टोनर एंड इट इज ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑयली सेंसिटिव एंड एक्ने स्किन टाइप सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन हो रखी है एक्टिव एक्ने हो रखे हैं सो आई वुड से गो फॉर दिस वॉन्ट बट अगर आपको कोमिडोन हो रखे हैं या फिर नोज पे ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स हो रखे हैं तो गो फॉर दिस टोनर इसके अलावा डॉटिन की के दो और टोनर्स हैं जो कि मैंने यूज नहीं किए हैं सो आई वोट से एनीथिंग अबाउट दैट तो इसी के साथ टोनर्स कंप्लीट होते हैं अब हम बढ़ते हैं सीरम की तरफ सो तो डॉटन की जो सीरम्स एंड ऑयल्स की रेंज है उसमें टोटल ट्वेल्व प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से टेन सीरम्स हैं एंड दो फेशियल ऑयल्स हैं सीरम्स में ही कुछ पीलिंग सॉल्यूशंस भी हैं और बाकी सारे सीरम्स हैं तो सबसे पहले तो देखो इनके सीरम्स की पैकेजिंग इट इज सो क्यूट ऐसे अलग अलग कलर की बॉटल्स आती हैं एंड इनके क्या मुझे बहुत प्यारी पैकेजिंग लगती है इनकी िन सी के साथ ब्लड एंड पंपकिन थर्टी एम वाली बॉटल है नाउ द वेबसाइट डलनेस अर्ली साइंस ऑफ एजिंग बिगिनर फ्रेंडली फॉर ऑल स्किन टाइप ओके सो येस वाइटामिन सी इज सुटेबल फॉर ऑयल स्किन टाइप्स तो आप कोई भी स्किन टाइप हो आप वाइटामिन सी यूज कर सकते हो एंड दिस इज़ अ टेन परसेंट वाइटमिन सी तो अगर आप शुरू कर रहे हो टेन परसेंट इज़ द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि ट्वेंटी मोस्टली आते हैं जो मार्केट में ट्वेंटी परसेंट वाइटमिन सी वो हो सकता है आपकी स्किन को थोड़ा सा इरीटेट कर दें या सूट ना करें सो स्टार्ट अटल लो तो आप ये टेन परसेंट वाला वाइटमिन सी यूज़ कर सकते हो एंड इन फैक्ट अगर आप बिगिनर नहीं हो तब भी ये सीरम बहुत अच्छा काम करता है आई एम नॉट अ बिगिनर क्लियरली एंड आई यूज़ दिस प्रोडक्ट एंड इन फैक्ट इस टाइम पर मेरे घर पर इसकी दो बॉटल्स खुली हुई है मैं और मम्मी दोनों सेपरेट यूज़ करती है वो अपना लेके गई हुई है ये मेरा वाला है एंड अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ ये सीरम काम करता है कि नहीं तो मेरी मम्मी भी इसे यूज करती है मैं भी इसे यूज करती हूँ मेरे जितने भी नोन्स हैं उन सबको मैंने एक 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 बॉटल बांटी हुई है ये इतना अच्छा काम करता है आई एक्चुअली रियली रियली लव दिस सीरम टेन परसेंट था मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि पता नहीं मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा बट इट वर्कड ब्यूटिफुली सो अगर आप बिगिनर हो लुकिंग आउट फॉर गुड वाइटामिन सी चेक दिस टेन परसेंट आउट बाई डॉट इनकी मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ क्योंकि इनका एक और वाइटमिन सी सीरम अवेलेबल है विच इज़ द ट्वेंटी परसेंट वाइटामिन सी सीरम विथ ब्लड ऑरेंज एंड फरूलिक एसिड एंड वो ट्वेंटी परसेंट है एंड मेन मैंने उसकी एक रील शेयर करी थी नाउ दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट सो so, उसमें क्या होता है उसमें आपको दो बॉटल्स मिलती है एक में पाउडर आता है एक में लिक्विड आता है दोनों को आपने मिक्स करना है शेक करना है एंड उसके बाद वो वाइटामिन सी एक्टिव हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्योर वाइटामिन सी का फॉर्म है इट वुड बी मोर इफेक्टिव बिकॉज वो एकदम फ्रेशली बन रहा है एंड उसको आपको थोड़ा जल्दी यूज करना रहता है मिक्स करने के आई थिंक आई थिंक तीन महीने के अंदर आपको उसको ख़त्म करना रहता है आई ड शेयर इट ऑन माई रील बट अगर आपने देखा होगा तो आई कीपॉर्न रिकमेंडिंग दिस सीरम इसकी मैं बहुत रील शेयर करती हूँ बहुत ही ज़्यादा बिकॉज आई लव दिस प्रोडक्ट बट उसकी मैंने एक बार करी उसके बाद नहीं करी वो एक बार मैंने इसलिए करी थी बिकॉज वो लॉन्च हुआ था एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दैट येस ये एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में बट मैंने उसको कभी एज सच रिव्यू नहीं किया एंड उसके बाद मैंने उसको दोबारा कभी भी यूज़ नहीं किया बिकॉज वट हैपन्ड वॉज उसके रिजल्ट मैंने देखे ही नहीं तो मैं ये नहीं बोलूँगी वो काम करता है कि नहीं करता बट जब मैंने उसको पहली बार यूज़ किया दूसरी बार यूज़ किया दो दिन मैंने उसको यूज़ किया एंड थर्ड डे जब मैंने उसको यूज़ करने के लिए बॉटल खोली तो जो बॉटल की नेक होती है जैसे ही मैंने इसको, इसको खोला तो इसकी जो नेक थी ना यहाँ पे ऐसे सॉल्ट जैसे क्रिस्टलाइज हो रखे थे एंड इट ग्रोज्ड मी आउट लाइक नथिंग बिकॉज दैट वॉज नॉट अ गुड साइट टू सी बहुत ही ऐसा लग रहा था कि वो सड़ गया है या पता नहीं क्या हो गया है बिल्कुल बहुत ही गंदा लग रहा था एंड आई डेंट फील कम्फर्टेबल पुटिंग इट ऑन माई स्किन सो मैंने उसे तुरंत ही फेंक दिया सो so, मैं ये नहीं बोल सकती कि वो काम करता है नहीं करता बिकॉज मैंने उसे सिर्फ दो ही दिन यूज़ किया एंड आफ्टर दैट आई जस्ट कुडेंट यूज इट सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई वुड से डोंट बाई इट बिकॉज आई डोंट नो इफ़ दैट थिंग हैपन्स विद यू ऑल्सो एंड फिर आपको फेंकना पड़ेगा छः सौ सात सौ रुपये का सीरम सो so,

मैंने इसे यूज़ किया था बट उसके बाद मैं रुक गई इसको यूज़ करने में बिकॉज मेरा एक और प्रोडक्ट था जो एक्सपायर होने के पास आ रहा था तो मैं उसको पहले यूज़ करना खत्म करूँगी देन आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस वन अगैन इट इज़ अ रियली गुड सीरम इसमें नायासिनमाइड एंड अल्फा आर्बुटिन दोनों ही स्पॉट लाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं इन्ग्रीडियंट्स होते हैं देन इसमें सीका है जो कि आपकी स्किन को काम करेगा अगर बैरियर डैमेज हो रखा है उस पर भी काम करेगा नायासिनमाइड आपके एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है तो इट वुड वर्क ऑन कंट्रोलिंग योर एक्ने इज वेल देन इसमें हीरो इन्ग्रीडियंट है थ्री परसेंट ट्रान एसिड आई डोंट नो इफ आई हैव टॉक्ड लॉट अबाउट दिस इन्ग्रीडियंट बट ट्रान एसिड एक्चुअली वर्क फॉर पिगमेंटेशन रियली रियली वेल इनफैक्ट टारगेट्स मिलाजमा इज वेल मैंने ट्रान एसिड थ्री परसेंट के और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं एंड इट एक्चुअली हेल्प विद द एक्ने स्कार्स एंड मेरी मम्मी को मिलाजमा है तो में कैसे उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है उनकी मिलाजमा लाइट होने लगी है अभी काफ़ी टाइम से यूज़ करने के बाद सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड सीरम अगर आप एक ऐसा सीरम ढूंढ रहे हो जो आपकी स्किन को सेंसिटिव ना बनाए जस्ट डेली यूज सीरम फॉर ऑयली एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन टाइप गो फॉर दिस वन इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हो इसमें ऐसा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाए या सूट ना करे यू नो ऑल दैट थिंग दिस इज अ वेरी सेफ सीरम टू यूज द नेक्स्ट सीरम इज दिस वन ये है वॉटरमेलन सुपर ग्लो टेन परसेंट ग्लाइकोलिक रिन्यू फेस सीरम विथ टू परसेंट ट्रिक एसिड इसमें कोजिक एसिड भी है तो इसकी वेबसाइट क्लेम करती है टू टारगेट क्लॉक पोर्स एक्सेस ऑयल पिगमेंटेशन अनिविन स्किन टेक्सचर एज साइंस एंड सुटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप ठीक है तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि आपकी स्किन की जो अपर डेड स्किन लेयर होती है उसको uh, उसको जेंटली एक्सफोलिएट करती है आपके पोर्स को अनकलॉक करती है एंड इसमें ट्रानेक्जामिकरकोजिक एसिड है जो कि आपके फेस पे एक्ने स्पॉट्स को पिगमेंटेशन को लाइट करते हैं एंड इट ऑल टूगेदर वर्कस टू एक्सपोलिएट एंड ब्राइटन अप योर स्किन और साथ ही में जो फ्रेश स्किन सेल्स हैं उसको रिसरफेस करता है ना वो मैंने सीरम को यूज़ किया है आप देख सकते हो आव यूज इट टिल श्योर एंड वॉट आई वुड लाइक टू से इज अगर आपको एक्टिव एक् हो रखा है डोंट यूज इट अगर आपके एक्टिव एक्ने नहीं है एक्ने मास्क हैं या आपको एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है यू आर गोना लव दिस सिरम इट रियली एक्सपोलियस योर स्किन वेरी वेरी नाइसली मैं अपने रेड वाले टोनर के साथ इसको यूज़ करती थी बट जब मुझे एक्टिव एक्ने होना स्टार्ट हुआ तब आई स्टॉप्ड यूजिंग इट बिकॉज आई प्रेफर सैलिसलिक एसिड एट दैट टाइम सो so, येस yes, अगर आपको अपनी स्किन हल्की हल्की एक्सपोलियट करनी है गो फॉर दिस प्रोडक्ट ये आपके एक्ने स्पॉट्स भी लाइट करेगा इट इज़ अ रियली रियली गुड प्रोडक्ट फॉर दैट सो या यू कैन चेक दिस वन आउट बात करते हैं इस सीरम की ये है सी सीकअप एंड कैक्टस टू परसेंट सैलिसलिक प्लस जिंक स्किन क्लियरिंग सीरम फॉर एक्ने एंड ऑयल कंट्रोल सो so, ये जो प्रोडक्ट है इसमें टू परसेंट सैलिसलिक एसिड है साथ में इसमें विच हेजिल भी है जिंक भी है सी का भी है सो so बेसिकली ये टारगेट करता है एक्ने प्रोन स्किन टाइप को जब आपको एक्टिव एक्ने हो रखे हैं बेसिकली उस टाइम पे आपके एक्नेस कंट्रोल करने में हेल्प करेगा एंड वेबसाइट बोलती है इट टारगेट्स एक्टिव एक्ने पिंपल पिम्पल क्लॉकपोर्ड एक्सेस ऑयल ब्लैक हेड व्हाइट हेड एंड रेडनेस for normal oily acne prone skin type now honestly i did not see much of a difference with this product agar aap dekho main is product ko bhi itna use kar chuki hu i used it more than the glycolic acid one but main bolungi agar aapko blackhead whitehead ya unclog karne ke liye pores ko chahiye go for this one अगर आपको sensitive skin है या oil और sebum का excess production है, go for this niacinamide one this one didn't uh, do much for me because like ठीक है जब मैंने इसको यूज़ किया था मेरा ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल में था मेरी स्किन काम फील कर रही थी बट अगर मैं इस और इस दोनों सीरम में डिफरेंस देखूं तो मेन डिफरेंस तो सैलिसलिक एसिड का है राइट इसमें सेलिसलिक एसिड है और इसमें सेलिसलिक एसिड नहीं है बाकी ना सी का वो तो इसमें भी है तो इसको मैं यूज़ कर रही थी क्योंकि मेरे को एक्टिव एक्ने था एंड मुझे सैलिसलिक एसिड सीरम चाहिए था एंड इट डिड नॉट डू एनीथिंग मच फॉर माय एक्टिव एक्ने सो आई वुड से this product is not very you know good you can rather skip and use this one ye zyada acha kaam karta hai kyunki ye claim karta hai aapke active acne pe kaam karne ke liye par isne itna acha kuch kaam kiya nahi tha so you can skip on this now moving to this product this is the hyaluronic acid serum concentrate and oh my god the amount देखो मैंने इसको कितना use किया अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कम कम use किया है but like serum की मैं दो ही drop use करती हूँ सो so, इसीलिए यहाँ तक मैं इसको ख़त्म कर चुकी हूँ इसको मैं विंटर्स में यूज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा मेरे पास काफ़ी सारे एक तो हाइलोरिक एसिड सीरम्स हैं तो सबको ट्राई करने में एक प्रोडक्ट उतना ज़्यादा ख़त्म नहीं हो पाता है सो दिस इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट अभी मैंने इसको अपने हाथ पे लगाया एंड माई स्किन फील्स सुपर सॉफ्ट जस्ट लाइक अ बेबीज बम माई हैंड इज़ फीलिंग एट दिस मोमेंट ऐसा ही ये इफेक्ट आपकी स्किन पे भी देता है इंस्टेंट प्लम्प कर देता है स्किन को एंड जो ग्लो आता है ना ऐसा हाइड्रेटेड प्लम्प स्किन वाला ग्लो मज़ा ही आ जाता है सो बेसिकली दिस वन इज़ फॉर ऑयली डिहाइड्रेटेड नॉर्मल एंड ड्राई स्किन बेसिकली फॉर ऑल स्किन टाइप्स दिस इज गुड क्योंकि हाइलोरॉनिक एसिड है तो अगर आपको ज़रूरत है हाइड्रेशन की और एक ग्लो प्लम्पी स्किन की सो यू कैन गो फॉर दिस नो मैटर वॉट स्किन टाइप यू आर एंड अब uh, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स पर्टिकुलरली बताना चाहती हूँ इसमें सेरेमाइड बल्गेरियन रोज विटामिन e, ई बेरीज विटामिन सी एंड हाइलोरॉनिक एसिड है सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट नरिश और आपके स्किन बैरियर्स को ना ऐसे अच्छे से बिल्कुल रिपेयर कर देंगे इट फील्स लाइक अ लग्जरी प्रोडक्ट वेन यू अप्लाई दिस वन ऑन योर फेस सो या वर ऑल द डिफरेंट सीरम्स दैट दे हैव लाइक सारे स्किन कंसर्न को टारगेट करते हैं मैंने आपको बता दिया कि uh, कौन सा किस चीज़ के लिए अच्छा है तो आप अपनी स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो अब हम बढ़ते हैं मॉइस्चराइजर की तरफ सो अगेन डॉटन की के सिक्स मॉइस्चराइजर हैं एंड ऐसे कुछ पैकेजिंग में आते हैं दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट आई लव देयर मॉइस्चराइजिंग की पैकेजिंग मॉइस्चराइजर की पैकेजिंग इट इज़ लाइक प्योर ग्लास बॉटल विद दिस कैप लव इट लव इट टोटली लव इट एंड मेरे पास सारे मॉइस्चराइजर हैं एंड स्पॉयलर अलर्ट आई लव दैम ऑल मतलब डिफरेंट स्किन कंसर्नस के लिए दे आर परफेक्ट एक भी मॉइस्चराइजर ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँगी कि अच्छा नहीं है स्किप ऑन दिस ऑल आर गुड मैं बताती हूँ कि कब आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए पहला मॉइस्चराइजर है ये वाइटमिन सी रेंज का एंड ऑनिस्टली आप देख लो मैं इसको ख़त्म कर चुकी हूँ ठीक है देर इज अ रीज़न क्यों मैं इस प्रोडक्ट को बार बार शेयर करती हूँ ये मेरी थर्ड टब है ख़त्म होने वाली है एंड मेरे पास अभी दो बैकअप में रखे हुए हैं यस दे डू सेंड मी देयर प्रोडक्ट्स बट दैट डज नॉट मीन की मैं बिना यूज करें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ आई लव दिस प्रोडक्ट एक्सट्रीमली गुड प्रोडक्ट ग्लोइंग स्किन देता है आपको इसका वाइटमिन इसमें भी ट्रिपल वाइटामिन सी है इट इज ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर एकदम शोरबे जैसा टेक्स्चर है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट जेल कंसिस्टेंसी है बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइजर है काफ़ी सपल स्किन हो जाती है एंड लॉन्ग टाइम में यू विल सी दैट ग्लो ऑन योर स्किन एंड एक बार आप इस मॉइस्चराइजर को यूज़ करके देखो आपका मन ही नहीं करेगा कोई और मॉइस्चराइजर यूज़ करने का एंड अगेन दिस इज़ वन सच प्रोडक्ट जो मैं अपने जानने वालों में बहुत लोगों को दे चुकी हूँ बिकॉज आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच एंड आई रियली वॉन्ट देम टू ट्राई इट आउट एंड जितनों को भी मैंने दिया है मैंने कभी यह नहीं सुना कि नहीं यार पसंद नहीं आया बिकॉज एक तो मेरे जान पहचान के है भी सब ऑयली स्किन वाले ही तो मेरे जैसे ही प्रोडक्ट्स उन सबको पसंद आ जाते हैं एंड द वेबसाइट सेज इट इज़ गुड फॉर नॉर्मल ड्राई ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप सो फॉर दैट आई वुड से नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन टाइप के लिए तो ये परफेक्ट है ऑयली कॉम्बिनेशन के लिए तो ऑल इराउंड बेस्ट है बट ड्राई के लिए और अगर आप नॉर्मल टू ड्राई हो तो ये विंटर्स में आपको उतना ज्यादा नरिशिंग नहीं लगेगा यू माइट फील अ नीड फॉर मोर सो या स्किन टाइप के हिसाब से क्योंकि जेल कंसिस्टेंसी में दैट वीज नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनदर ऑफ माई फेवरेट मॉइस्टराइजर विच इज दिस वन दिस इज़ अ सीका calming स्किन renewing नाइट जेल अभी आपको लग रहा होगा ये तो टफ़ फील्ड है आप मेरे इंस्टा पे जाओ और देखो ज़रा कि मैं कब से इस प्रोडक्ट को शेयर कर रही हूँ तो तब से तो मैं कितने टफ़ फिनिश कर चुकी होंगे आई थिंक मैं इसके भी दो टफ फिनिश कर चुकी हूँ ये दो जो मॉइस्चराइजर वाइटमिन सी और सीका वाले इन दो को मैं सबसे ज़्यादा टाइम से, से यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दिस टू प्रोडक्ट सो मच हमेशा मेरे मॉर्निंग स्किन केयर में वो और नाइट स्किन केयर में ये अनलेस एंड अनटिल मेरी स्किन को कोई स्पेसिफिक नीड है उस हिसाब से मैंने मॉइस्चराइजर बदला हुआ है तो वो एक अलग चीज़ है बट मेरे स्टेपल ये दो प्रोडक्ट्स हैं अगर बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें सीका और नायासिनमाइड है सो इट टारगेट्स

सो ड्राई स्किन के लिए आई वुड से दिस वुड नॉट सफाइस सो द ऑयली वाला जो रेंज है ना हमारा ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव उनके लिए ये परफेक्ट मॉइस्चराइजर है इट इज़ अ स्लीपिंग मास्क नाइट जेल बेसिकली एंड इट इज़ ब्यूटिफुल आप इसको रात में लगा के सो सुबह ना आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है सो दिस इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर आई लव दिस अभी मैंने दो मॉइस्चराइजर बताए जो कि ड्राई स्किन वाले उतना ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं करेंगे तो उनके लिए मेरे पास ये वाला मॉइस्चराइज़र दिस इज द सेवेंटी टू आर हाइड्रेटिंग जेल प्लस प्रोबायोटिक्स ओ माई गॉड दिस मॉइस्चराइजर इज़ वेरी वेरी गुड मुझे मैं बता नहीं सकती लाइक like, जब स्किन बैरियर डैमेज हो जाए ना तब ऐसा मॉइस्चराइज़र मिल जाए जो जेल कंसिस्टेंसी में है ना तो और क्या ही चाहिए ऑयली स्किन वालों को ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो जेल टाइप में है ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट बट इतना ज्यादा हाइड्रेटिंग और इतना ज्यादा नरिशिंग है कि ये ड्राई स्किन के लिए भी परफेक्ट है सो दिस वन मॉइस्चराइजर इज परफेक्ट फॉर एक्चुअली ऑल स्किन टाइप्स एंड यू आर ग लव दिस मॉइस्चराइजर इसको लगाते ही स्किन इतनी प्लम्प और डूई लगने लग जाती है नेक्स्ट है ये मॉइस्चराइजर दिस इज द वाटर मेलन सुपर ग्लो मैट मॉइस्चराइजर एंड एज द नेम सजेस्ट इट एक्चुअली इज अ मैट मॉइस्चराइजर आप जब इसको अपने फेस पर लगाओगे ना तुरंत लगाने के साथ ही ऐसा लगता है आपने मैट प्राइमर लगा लिया अपने स्किन पे आपकी स्किन की पूरी शाइन एकदम मैट हो जाती है तुरंत के तुरंत लाइक इंस्टेंटली मैटिफाई कर देता है स्किन को सो अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट वन फोर्थ यूज़ किया था लास्ट समर्स में उसके बाद मैंने इसे रख दिया था क्योंकि फिर विंटर्स आ गए थे एंड विंटर्स में मैट स्किन वॉज नॉट डूइंग वेल फॉर मी सो आई स्केप्ड ऑन दिस फॉर द विंटर्स बट अभी समर्स आने वाले हैं समर्स के लिए ऑयली एक्नेप्रॉन स्किन के लिए ये एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर है ये आपके तीस जोन को शाइनी होने से रोकेगा एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ जो एक्सेस ऑयल और सीबम है उसके प्रोडक्शन को रोकता है सो बेसिकली इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर मतलब गर्मियों में जब आप बाहर जा रहे हो आई वुड रेकमेंड दिस मॉइस्चराइजर एट दैट टाइम क्योंकि पूरे दिन आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखने के साथ साथ लुक वाइज मैट रखता है वो शाइन नहीं आने देता ऑयली वाली सो आई लाइक दिस मॉइस्चराइजर इज़ वेल देन इज दिस मॉइस्चराइजर दिस इज द नाइट रीसेट रेटिनॉल प्लस सेरेमाइट स्लीप ट्रीटमेंट क्रीम सो दिस मॉइस्चराइजर इज मोर रेकमेंडेड फॉर मच्योर कॉम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन टाइप सो so, क्योंकि इसमें रेटिनॉल है सो so ये आपकी जो साइंस ऑफ एजिंग है उसको डिले करता है साथ के साथ इसमें सेरेमाइड है तो ये आपकी स्किन के बैरियर को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है और आपकी स्किन को काफ़ी हेल्दी रखता है एंड साथ ही साथ ये आपकी स्किन में कोलाजन भी बूस्ट करता है सो आई वुड से अगर आप अपने थर्टीज़ में या लेट ट्वेंटीज में चल रहे हो एंड यू हैव अ ड्राई स्किन तो जो ड्राई स्किन है वो एज के साथ साथ जल्दी रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं ड्राई स्किन गेट्स दैट प्रॉब्लम सो उस टाइम पे आई वुड से दैट दिस मॉइस्चराइजर इज गन वर्क रियली वेल फॉर यू नॉट दैट यू ऑयली स्किन के लिए अच्छा काम नहीं करता है आई हैव यूज इट ऑन माई फेस इट डिड नॉट डू एनी थिंग रॉन्ग टू माई स्किन तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ऑयली स्किन के लिए बेकार है बट स्टिल ये मच्योर ड्राई स्किन के लिए बेस्ट रहेगा सो या इफ यू आर इन योर लेट ट्वेंटीज और योर अर्ली थर्टीज स्टार्ट यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर इट इज़ अ वेरी जेंटल वे टू इंट्रोड्यूस रेटनॉल इन टू योर स्किन केयर सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर दैट वे लास्ट मॉइस्चराइजर आता है ये वाला दिस इज़ द एंड हाइलोरॉनिक स्किन बैरियर रिपेयर फेस क्रीम विथ पी एच प्रोबायोटिक्स एंड राइस वाटर ये डब्बे में है इसको अभी मैं खोल नहीं रही हूँ बिकॉज इसकी एकदम न्यू ट्यूब मम्मी अभी लेके गई हुई है एक ट्यूब ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि विंटर्स में इसको मैंने भी यूज़ किया था एंड मम्मी ने भी यूज़ किया था सो बेसिकली विंटर्स में मेरी स्किन कॉम्बिनेशन की तरफ आ गई थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्लेक्स हो रहे थे कहीं कहीं पे फेस पे तो इस क्रीम को मैंने भी यूज़ किया था इट एक्चुअली रिपेयर माई बैरियर आई वुड से दैट इट डज वॉट इट क्लेम्स टू डू एंड जो ड्राई और एक्सट्रीमली ड्राई स्किन टाइप वाले होते हैं ना वो तो इस मॉइस्चराइजर के प्यार में ही पड़ जाएंगे गर्मी सर्दी हर मौसम ये आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड लाइक क्लियरली माई मॉम इज ट्रैवलिंग विद दिस अगेन इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ एंड आई हैव दिस एंड आई हैव न स्टॉक फॉर दिस सो दिस इज अ रियली रियली गुड क्रीम तो जितने भी ड्राई स्किन वाले हो तो मेरे से पूछते रहते हो ना कि कौन सा यूज़ करें कौन सा यूज़ करे सो so, ये दो मॉइस्चराइजर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं अगर आपको एक जेल टेक्सचर में चाहिए गो फॉर दिस वन अगर मोर थिक क्रीम टेक्सचर चाहिए गो फॉर दिस वन सो डॉट इन की के दो सनस्क्रीन हैं दिस वन इज द सीका कामिंग नायसिनमाइज सनस्क्रीन एस पी एफ फिफ्टी पी ए ट्रिपल प्लस विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम यू वी ए यू वी बी प्रोटेक्शन दिस इज द वाइटमिन प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन विद एस पी एफ फिफ्टी पी ए ट्रिपल प्लस यू वी ए प्लस यू वी बी एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन दैट इज समथिंग एक्सट्रा इन दिस ये बोलता है कि दिस गिवस यू एन अल्ट्रा लाइट मैट फिनिश फॉर ऑयली एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन ये बोलता है कि इट विल गिव यू नो वाइट कास्ट फ्रेग्रेंस फ्री एक्टिव वाइटमिन डी रिसेप्टर एंड दिस वन डजन से कौन सी स्किन टाइप के लिए बट आई थिंक दिस विल सूट ऑल द स्किन टाइप्स ठीक है अब दो ही सनस्क्रीन है फटाफट -फड़ से बात कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं दिस इज अ रियली गुड सनस्क्रीन दिस इज द बेस्ट सनस्क्रीन लाइक एक्चुअली सिर्फ डॉटन की में ही नहीं ओवरऑल अगर मैं बोलूं दिस इज माय न्यू फेवरेट सनस्क्रीन न्यूट्रोजीना की मैं कितनी बात करती हूँ मैं थक गई न्यूट्रोजीना बोलते बोलते दिस स्टॉप्ट दैट तो इट स्पीक्स फॉर इट्स इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी तो so, अगर मैं घर पर बैठी हूँ मेकअप नहीं लगाना है आई विल यूज दिस इसको जब मैं मेकअप के नीचे लगाती हूँ तो मेरा मेकअप ना ऐसे बॉल बॉल सी बनने लग जाती है तो ऐसे ऐसे करो तो निकलने लगता है तो इसीलिए मैंने बोला अगर मैं मेकअप नहीं लगा रही हूँ सो दिस इज गुड दिस वन इट्स वेल अंडर द मेकअप ऑल्सो मतलब इस सनस्क्रीन में मैं कोई भी खामी नहीं निकाल सकती हूँ वन सनस्क्रीन इन द इंडियन मार्केट टूडे दैट इज लाइक ऑल टिक 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 टिकफेक्ट दिस गो फॉर दिस सनस्क्रीन एनी डे एनी स्किन टाइप एंड यू गिन लव दिस सनस्क्रीन इट इज़ सो गुड इसके अलावा मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहूंगी सो या इसी के साथ सारे डॉटर की के स्किन केयर प्रोडक्ट्स की मैं बात कर चुकी हूँ मैंने लिप केयर हेयर केयर और बॉडी केयर की इस वीडियो में बात नहीं करी वरना वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती बट मुझे बताना आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा मैंने आपको डॉट इन की के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा रिव्यू दिया है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है किस काम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो सो so, अभी आप इस वीडियो को रेफर करके अपने स्किन टाइप और अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से डॉट इन की के प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हो एंड अगर आप चाहते हो कि हेयर केयर बॉडी केयर या लिप केयर पे भी मैं वीडियो बनाऊँ इसी तरह का या फिर अगर आप चाहते हो मैं इसी तरीके से किसी और ब्रांड को रिव्यू करूँ सो आई वुड लव टू डू दैट ड्रॉप दैम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हिट दैट लाइक बटन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड येस अगर आप डॉट इन की पे शॉप करते हो तो अभी काफ़ी अच्छे ऑफर्स वैसे भी चलते ही रहते हैं उनकी वेबसाइट पे एंड अगर आप मेरा फिलियट कोड यूज़ करोगे तो आपको अपने बिल अमाउंट पर एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा वे आर हैप्पी शॉपिंग एंड ये अगर आपने अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है So, please hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a new video, you get notified. Now, I will see you tomorrow at the same time with a brand new video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.